वेलकम स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 11 की क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। अपना देश जो चैप्टर है उसमें हमने कुछ उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। जो उसके रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर जो बचे हुए हैं उनके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो हम पिछले क्लास में कर चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 तक, आज हम लिखेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हमारे देश को सभी सुखों की खान क्यों बताया गया है? हमारी जो कविता है उसके अंदर हमारा जो देश है उसके बारे में ये कहा गया है कि हमारा देश सभी सुखों की खान है, तो क्यों है? इसका कारण हम लिखेंगे क्योंकि हमारे देश में पर्वत, मैदान, खेत, खलिहान आदि सब हैं। क्योंकि हमारे देश में पर्वत, मैदान, खेत, खलिहान आदि सब हैं, तथा हमारे देश के मरुस्थलों में भी मंगल है, हमारे देश के मरुस्थलों में भी मंगल है, इसलिए हमारा देश सुखों की खान है। जो पहला क्वेश्चन है ना कि हमारे देश को सुखों की खान क्यों बताया गया है, तो वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे खेत हैं, खलियान हैं जिनमें हम फसल पैदा करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐसे रेगिस्तान हैं जहाँ पे लोग निवास करते हैं खुशी खुशी। हमारे पास पर्वत हैं, हमारी रक्षा जो उत्तरी सीमा है उसकी रक्षा के लिए हिमालय पर्वत है। इसके अलावा बहुत सारे मैदान हैं जिनमें हम खेती करके अपने जीविकोपार्जन का और कमाई का साधन देखते हैं। तो इस कारण से हमारा देश है वो सुखों की खान है। ये क्वेश्चन नंबर अपना 3 वाला कंप्लीट हो गया, नोट डाउन कीजिए, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हमारे देश की धरती कैसी है? तो आपने गीत भी सुना होगा ना एक, मेरे देश की धरती उगले सोने उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो हमारे देश की धरती कैसे है? बहुत उपजाऊ है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हमने बात कर ली। हाँ, हमारे देश को सभी सुखों की खान क्यों बताया गया है? तो हमें समझ में आ गया क्योंकि हमारे देश में पर्वत, मैदान, खेत, खलिहान आदि हैं जिनसे हमें फसल की प्राप्ति होती है, खनिज मिलते हैं, अनेक प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं, पहाड़ों से और भी हमें आमदनी होती है। तो इस कारण से, और रेगिस्तान में भी, हमारे रेगिस्तान भी ऐसे हैं जहाँ पे लोग खुशी खुशी रहते हैं, तो इस वजह से हमारे देश को सुखों की खान बताया गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हमारे देश की धरती कैसी है? तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखा हुआ है, हमारी धरती उपजाऊ है। इसके अलावा हमारी धरती वीर पुरुषों की जन्मदायिनी है, यानी कि हमारी धरती माता जो है वो इतनी अच्छी है कि इसने आज तक अनेक ऐसे वीर पुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने माता पिता की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, यानी शहीद हो गए, सैनिक हुए, राजा महाराजा हुए और भी अनेक ऐसे शासक हुए जिन्होंने इस धरती माता की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें हम लिखेंगे हमारी धरती के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की पहचान किसे बताया गया है? भारत की पहचान किसे बताया गया है? तो जो श्रम, साहस, बलिदान, प्रेम के पाठ हमेशा पढ़ने वाला, यह इसकी पहचान है। तो एक बार ये नोट कीजिए, हम फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
फाइव के बारे में, क्वेश्चन नंबर जो फाइव है उसका आंसर है भारत की पहचान किसे बताया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फाइव आंसर, वीर पुरुषों के द्वारा मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर पुरुषों के द्वारा मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग देना वे अनेक वीरांगना अनेक वीरांगनाओं के द्वारा अपने स्वाभिमान हेतु अनेक वीरांगनाओं द्वारा अपने स्वाभिमान द्वारा अपने स्वाभिमान। देखिए अब तक हमने आंसर लिखा वीर पुरुषों के द्वारा मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग देना वह अनेक वीरांगनाओं के द्वारा अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु वीरतापूर्वक मुकाबला करना जैसी घटनाएं मुकाबला करने जैसी हमारे देश की पहचान यानी कि हमारे देश में अनेक ऐसे वीर और वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया और वो सब जो हैं वो हमारे देश की पहचान है। ये अपना क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद है हमारे देश की क्या क्या विशेषताएं हैं, फटाफट लिखिए। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स की। इसके बाद हमारे देश की क्या क्या विशेषताएं हैं, हमारे देश की विशेषताओं से संबंधित जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारे देश में क्या क्या विशेषताएं हैं देखिए, तो संपूर्ण जो कविता पाठ है उसमें हमें छांट करके लिखना है हमारे देश की विशेषताएं। हम पॉइंट करके लिखेंगे क्या क्या है हमारे देश की विशेषताएं। एक तो वेरी फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे पर्वत मैदान
खेत और खलियान हैं। हमारे देश में क्या हैं? पर्वत हैं, मैदान हैं, खेत हैं, खलियान हैं। उसके बाद सेकंड, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग प्रेम के साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, यह भी हमारे देश की विशेषता है। फिर नंबर थर्ड है, हमारे देशवासी वीर साहसी हैं। हमारे देशवासी वीर और साहसी हैं। ये अपने देश की विशेषताएं हो गई। अनेकता में एकता भी लिख सकते हैं आप, यानी कि इसके अलावा आप लिख सकते हैं चौथा नंबर, मैं इसी में नीचे लिख देता हूं, हमारे देश में अनेक गांव और शहर हैं। हमारे देश में अनेक गांव और शहर हैं, नोट कर लीजिए, ये अपने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। फिर अपना सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है, भारत देश को महान क्यों कहा गया है? तो जो भी अपने संपूर्ण पाठ के अंदर जो भी विशेषताएं बताई गई हैं, उनके कारण से हमारे देश को महान कहा गया है। एक बार ये नोट कीजिए, फिर उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी हम बोर्ड पर लिखेंगे। तो हम इस पूरे चैप्टर में जो भी भारत देश की विशेषताएं बताई गई हैं उनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा देश महान क्यों है, तो इसमें हम छोटा सा एक रीजन लिख लेंगे। हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले, धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उनके रीति रिवाज, रस्में, बोलियां, भाषाएं, पहनावा इत्यादि अलग अलग हैं। फिर भी सब लोग एक साथ बड़े ही प्रेम से रहते हैं। इस कारण हमारा देश महान है। इसके अलावा और भी अनेक रीजन्स आप लिख सकते हैं बेटा, आप खुद से लिखेंगे। और इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और वो साथ साथ रहते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हो कि हमारा जो देश है उसमें पर्वत, मैदान, पहाड़ सब स्थित हैं, और हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को छोड़ दिया, त्याग दिया, बलिदान कर दिया,
और ऐसी ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने देश के और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मरना उचित समझा। तो हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहाँ पर त्याग और बलिदान सबसे ऊपर माना जाता है, तो इस तरह से हम अपने देश को महान कह सकते हैं। तो और भी आप रीजन अपनी पार्ट के हिसाब से लिख सकते हैं। तो आज अपना ये चैप्टर नंबर जो 11 है उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। इससे अगली क्लास में अगले जो अगले चैप्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।